हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य आपके लिए क्या अच्छा लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में कौन से अच्छे बदलाव होंगे, क्या कौन सी शुभता का आगमन आपकी लाइफ में होगा, या क्या अच्छा आपकी लाइफ में होगा, आपकी कौन सी मुरादें पूरी होंगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो पता आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एंजल ऑफ लव एक्शन आर्कएंजल माइकल। ओके, तो निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि आर्कएंजल माइकल का आपकी लाइफ पर से सब प्रकार के नकारात्मकताओं को दूर करना, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया और यहाँ पर स्थिति उसी बारे में बताई जा रही है। मैंने भी यही सोचा कि स्थिति जिस प्रकार से बताई जा रही है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड क्यों नहीं आया है। यहाँ पर एक यू कह लो गाइस कि ऐसा मालिक की कृपा, ऐसा आर्कएंजल माइकल की कृपा होना कि जिस भी प्रकार की दिक्कत से, जिस भी प्रकार के दुख से आप जूझ रहे हो ना, उस दुख का समूल रूप से आपकी लाइफ से नष्ट होना, यानी नकारात्मकता को जड़ से काटने वाली बात गाइस आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में ये करने वाले हैं। उनके आपकी लाइफ पर ना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, एंजाइटी सभी प्रकार की दूर होगी गाइस। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड भी यही कहता है, एंजल ऑफ लव का कार्ड भी यही कहता है कि अब आप कुदरत का प्यार, कुदरत की मित्रता को देखने वाले हो गाइस। कुदरत का आपके लिए लिया हुआ एक्शन, कुदरत का आपके लिए ली हुई स्ट्रैटेजी को आप देखने वाले हो कि चीज़ें भले थोड़े टाइम के लिए आपको दुखदाई लगी है, थोड़े टाइम के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ना वो बड़ा दुखदाई था, कष्टदायक था, पीड़ा सहन नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत रखी है, फिर भी आपने धैर्य रखा है, फिर भी आपने मालिक पर बिलीव रखा है। तो ये आपका ट्रस्ट और ये आपकी उम्मीदें खाली नहीं जाएगी गाइस, है ना, खाली नहीं जाएगी। आपके लिए डोर इस प्रकार के ओपन होंगे कि अगर एक डोर कोई अपनी तरफ से कोई कोशिश करके बंद करने की कोशिश करेगा ना, तो दूसरा दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको सुख से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। आपके सुख का रास्ता हमेशा ओपन रहेगा गाइस, यानी एक बात कह सकते हैं कि नकारात्मकताओं के बंधनों से आप मुक्त हो रहे हो। आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है तो आर्कएंजल माइकल उसे भी नष्ट कर देंगे, यानी आपकी नकारात्मकता, आपकी लाइफ पर से नकारात्मकता जो है ना वो भस्म हो रही है, और पैसों को लेकर जो भी चिंताएं हैं आपके वो दूर हो रही है गाइस। आर्कएंजल कैप्रियल आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको जो भी लॉस हुए हैं उसकी भरपाई वो करवाने में आपकी मदद कर रहे हैं गाइस। तो मालिक का आपके लिए हस्तक्षेप और मालिक का आपके लिए एक्शन आने वाले समय में आप बहुत जल्द देखने वाले हो गाइस। आपको नंबर 2552 मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मालिक हेल्प नहीं करते, है ना, मालिक से भले कितना ही पुकार लो मालिक हेल्प नहीं करते, लेकिन बुरे लोगों की हेल्प कर देते, उनको लाइफ में बहुत कुछ मिलता है। देखो मैंने कहा गाइस, पहले भी बताया है कि एक समय में ना हमें ऐसा लगता है कि कुदरत जैसा ना इतना कठोर कोई नहीं हो सकता, इतनी परीक्षाएं लेते, इतने परीक्षा, मैं अकेला ही बैठा हूँ, मैं अकेली ही बैठी हूँ कि मेरी ही परीक्षा ले, और दुनिया में लोग नहीं है क्या, हमारे मुंह से ये तक शब्द निकलते हैं गाइस। और किसी के मुंह से ये तो शब्द पक्का निकले हैं कि केवल मैं ही हूँ एक परीक्षा लेने के लिए, केवल मेरी मेरे पर ही चलती है मालिक की, है ना, ऐसे मुझे परेशान करना या जो कुछ भी है, दूसरे लोगों पर ऐसा नहीं होता। लेकिन ये गलतफहमी है गाइस कि जब एक समय में हमें इतना लगता ना कि इतना कठोर कुदरत हो रही है, एक समय के बाद में हमें ऐसा लगता है इतना उनका प्यार उमड़ता है गाइस, जितनी हमें सक्सेस या लाइफ में इतना अच्छा होता है। ये देखो फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, कि हमें ऐसा फील होता है
कि कुदरत जैसा प्यार करने वाला हमें कोई भी नहीं, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों तक का उनको पता चलता है एक समय के बाद में, वो खुद ब खुद पूरी होती है गाइस। क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में कार्ड आया जो यही कहते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, और इच्छाओं की पूर्ति खुद कुदरत करे आपके लिए, खुद मालिक करे, आर्कएंजल माइकल माइकल करे। आपने तो मुझे नहीं लगता गाइस कि आप में से कुछ व्यूवर्स ने आर्कएंजल माइकल को कभी पुकारा भी होगा कि मालिक आकर मेरी मदद करो, है ना, मेरी हेल्प करो, मेरी लाइफ से नकारात्मकता को काटो। ये एंजल है, आर्की एंजल है, इन्हें पुकारने की जरूरत नहीं होती, है ना। ये खुद अपने बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना आतुर रहते हैं। तो इन्होंने खुद आपकी आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखा, आपको सुरक्षित रखा, आपको नकारात्मकता से बचाया है गाइस। बहुत बुरी से बुरी ब्लैक मैजिक से इन्होंने आपको बचाया है। आपने कभी उनको प्रणाम नहीं किया होगा, आज ही उनका नाम लेकर ना उनको प्रणाम करना कि थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मेरी इतनी परवाह करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, है ना। वो आपको नकारात्मकता के बंधनों से मुक्त कर देंगे, ये पक्का है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रही हूँ कि वो आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचा चुके हैं गाइस, और ये इस बात की कन्फर्मेशन आने वाले निकट भविष्य में आपको मिलेगी। मतलब कोई स्थिति आपके विरुद्ध में ऐसी बनी हुई थी जिसका आगाज या जिसके बारे में जानकारी आपको नहीं थी गाइस, कि ऐसी कोई दिक्कत आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी, ये आपको ज़रा भर भी नहीं था। और था तो एक कहता है ना कि बहुत छोटे स्तर पर था, जिसको गहराई से या फिर जिसको आपने सीरियसली होकर ना अपने दिमाग पर नहीं लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी गंभीर थी गाइस। अगर ये आपकी लाइफ में घटित हो जाती ना तो बहुत नुकसान हो जाता आपको, बहुत ज़्यादा इमोशंस को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर। इतने साल तक आपने अपनी लाइफ की जो मेहनत दी है, अपनी लाइफ में जो मेहनत दी है ना, उस पर नुकसान हो जाता। तो आर्कएंजल माइकल ने आपको किसी प्रॉब्लम से बचा लिया, किसी नुकसान से बचा लिया, आपका दिल टूटने से बचा लिया गाइस। ये देखो 9 और 10 की एनर्जी किस दुख को ख़त्म करते हैं। कोई दुख ऐसा है जो लाइफ को स्पॉइल कर सकता था गाइस, यूँ समझ लो कि बाल बाल मालिक की कृपा से आप बचे हो। एक होता है ना चोट लगने वाली होती है, गिरने वाले होते हैं, और अचानक आकर कोई हाथ बचा लेता है, ये बिल्कुल कुछ वैसा हुआ। क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करो, ये दिल के हाल इस प्रकार के, और यहाँ पर है एंजल ऑफ लव और वुमन होल्डिंग अ हार्ट, दोनों ही हार्ट के बारे में, हार्ट की हीलिंग के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर भी फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल ये भी हार्ट को हील करने के बारे में बात करते हैं। तो दुख आपको होने नहीं दिया गाइस, है ना, आपके दिल को सुरक्षित रखा, आपके आपको हीलिंग देते रहिए। तो किसी प्रकार की बुरी स्थिति का जिसका आपको डर था ना, वो कन्फर्मेशन आ चुकी है कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी घटित नहीं होगी, वो ख़त्म हो चुकी है। अगर वो आपको दिख रही है तो वह केवल वहम के अलावा कुछ भी नहीं है, है ना। परेशान मत होना, आप अभी तो समय ऐसा है गाइस कि आने वाले समय में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होना, आपकी लाइफ में खुशियों के रास्ते ओपन होना गाइस, आपको मानसिक शांति मिलना, स्वस्थ रहना आपका, है ना, इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। ओके 10 ऑफ कप्स गाइस, यहाँ पर भी अच्छी बात के बारे में कहा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी आने के बारे में, कुछ अच्छा लाइफ के होने के, कुछ अच्छा लाइफ में होने के बारे में। मतलब एक बात कह सकती हूँ गाइस कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में ना, बहुत नियर नियर में गाइस, न केवल आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, मतलब आपको हील किस प्रकार से किया जाएगा ना, आप वाकई में, जैसे मैंने कहा ना कि आपको ये शिकायत रहती है कि मालिक कितनी कठोर परीक्षा देते हैं, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि मालिक ना मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी ख्याल रखते हैं। आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें का, आपकी छोटी छोटी पसंद किसमें छुपी हुई है ना, उन चीज़ों के पूरा होते हुए भी आप देखोगे गाइस, तो आपको ये एहसास होगा कि इतना छोटे छोटे स्तर पर भी मालिक मेरी खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो आपकी बाकी की ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं होगी। मतलब एक एहसास गाइस, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये मैसेज जो है ना, स्पिरिचुअल मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपका मालिक पर से ना विश्वास का बढ़ना, श्रद्धा भाव बढ़ना, उन पर अटूट विश्वास होना, और उनके प्यार को एहसास करना, उनके संकेतों को समझना गाइस। उन्होंने आपकी लाइफ की जो भी परीक्षाएं ली है, जितने भी सबक दिए हैं, उन्हें एक अच्छे रूप में लेना,
कि उन्होंने एक अच्छे टीचर की तरह आपको समझाने की कोशिश की और एक अच्छा टॉपर स्टूडेंट कहते हैं ना गाइस, वो आपको बनाया है जो कभी भी किसी भी समस्या से ना घबराए, किसी संघर्ष से ना घबराए और कभी किसी प्रॉब्लम में ना गिरे। उन्होंने खुद आपको एक प्रॉब्लम से गिरने से बचाया, और ये चीज़ें जब आपके सामने आएगी ना तो आपका मालिक पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा गाइस। देख लेना कोई खबर आपको सुनने को मिलेगी कि बहुत बड़ी दिक्कत से आप बच चुके हो, कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला था लेकिन वो नहीं आ पाया गाइस। उससे आपको बचा लिया गया, उससे आपको प्रोटेक्टेड कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया, और उसके बदले में ये बन गया आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स का कार्ड। खुशी का वातावरण अपने परिवार में, अपने लोगों में, मैरिज में है ना, दोस्तों में, अच्छे लोगों के एंट्री लाइफ में होना, अच्छे मित्र बनना जो ग्रो दिलाने में मदद करे, जो मानसिक शांति दे कम से कम है ना, जिनकी वजह से स्ट्रेस ना हो, जिनकी वजह से लाइफ पर बुरा इफेक्ट ना पड़े, जो गलत सलाह ना दे या गलत डायरेक्शन में ना जाने दे, कि कभी अगर पता ना चले गलत डायरेक्शन में जाने वाली स्थिति भी बन जाना तो रोक ले एक बार, एक सच्चा मित्र है ना। तो ऐसे लोगों की भी एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, और संतान संबंधी सुख की प्राप्ति भी होना गाइस है ना जी, संतान से सुखों की प्राप्ति होना। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, कलह कलेश खत्म हो रहे हैं परिवार के आने वाले समय में। ये कैसे होंगे, ये आपके शब्दों के आधार पर होंगे गाइस। काफी हद तक ना आपकी इन मामलों में मेच्योरिटी का लेवल जो है ना वो काम आएगा। आप इस परिस्थिति को किस प्रकार से हैंडल करते हो वो देखना। अगर मान लो कभी बाय चांस अगर ऐसा माहौल क्रिएट भी हो गया ना परिवार में, लड़ाई झगड़ा वाला, या मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बीते समय से ना कुछ 2 4 साल से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, फैमिली का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है गाइस। बिल्कुल ऐसा माहौल है जैसा आपने सपने में उम्मीद नहीं करी होगी कि घर परिवार में ऐसा माहौल हो सकता है। फिर घर के लोगों में और बाहर के लोगों में फ़र्क क्या, इतने तक में शब्द आ जाना या थॉट आ जाना दिमाग में, तो ये तो बहुत गलत स्थिति है गाइस। ये समझ सकते हैं कि ये परिवार की स्थिति क्या चल रही होगी अभी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि एक होता है ना गाइस कि कभी कोई इंसान झूठा ना हो, लेकिन फिर भी झूठे आरोप और फैमिली से अगर किसी प्रकार के झूठे आरोप लगते हैं, ब्लेम लगते हैं, तो इंसान के गुस्से का पारा कुछ और ही होता है, सहन नहीं होता कि सब कुछ जानने के बाद में आप इस तरीके से कैसे ब्लेम कर सकते हो है ना। मतलब जैसे एक अपनों से मिली हुई चोट बर्दाश्त नहीं होती, कहने का मतलब यही है। लेकिन अभी आपकी मेच्योरिटी का लेवल देखना गाइस, और आप जो आपको जो मालिक का प्यार मिलेगा ना उससे आप सराबोर रहोगे। तो ऐसे में अगर आपके घर में ऐसी स्थिति क्रिएट होने की स्थिति भी बनेगी ना, उसे आप रोक लोगे, आप बिगड़ने नहीं दोगे हालात, आप ठीक कर लोगे गाइस। आपकी एनर्जी, आपका प्यार और आपका ऑरा, पॉजिटिव ऑरा इतना काम करेगा बिगड़ते हुए माहौल को सुधार देगा, झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न करने ही नहीं देगा। आप रोक लोगे, देखना किस प्रकार रोकोगे अपने शब्दों से, इस ऐसे काम में लोगे गाइस, इतने अच्छे शब्द काम में लोगे, इतनी अच्छी परिस्थिति को आप क्रिएट करोगे कि झगड़ा होते होते रुक जाए, नहीं होगा झगड़ा और माहौल अच्छा हो जाए है ना। ये स्थितियाँ आप बनाओगे गाइस। ये समय जो है ना, इस समय में आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप जो कहोगे, जो बोलोगे ना, वो काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि ये फलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से कह रही हूँ कि बहुत अच्छा बोलना अपने लिए, क्योंकि इतना सारा प्यार मालिक का उमड़ना आप पर, प्यार की बारिश होनी, एक कुदरत का आपको मित्र के रूप में फील होना, तो ये समझ सकते हो गाइस जो कह रही हो ना कि छोटी छोटी मुरादें भी आपको लगेगी कि मालिक इस बात का भी मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे लिए मेरी लाइफ में हस्तक्षेप करें, मुझे बचाने के लिए, मुझे सुरक्षित करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, मैं कितना प्यारा बच्चा हूँ उनका। ये एहसास अपने आप को ना एक छोटा बेबी वाला महसूस करना गाइस, भले कोई भी एज हो आपकी, लेकिन अपने आप को वो बच्चा वाला भाव फील करना कि मेरा कोई ख्याल रखने वाला है, मेरा ध्यान रखने वाला है, जो मुझे कभी भी किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचा सकते है ना। उन्होंने मेरी आदतों में सुधार करने के लिए, मेरी लाइफ में अगर कोई बुरे लोग थे ना उनसे मुझे बचाने के लिए ये परिस्थितियां क्रिएट की है, या मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा था, समझ नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रहा था, तो मुझे ये समझाने के लिए स्थितियाँ क्रिएट हुई, और आज देखो मुझ में वो बदला हुए, और जैसे मुझ में बदला हुए कुदरत मेरा मित्र बन गए, दुश्मन तो पहले भी नहीं थे गाइस। बस एक बच्चा जो होता है ना, टीचर जब बार बार समझाने की कोशिश करता है ना,
और बच्चा समझता नहीं है ना, तो बच्चा ये सोचता कैसे टीचर है, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा कठोर है, यही हर स्टूडेंट सोचता है गाइस। लेकिन जब बच्चे को समझ में आ जाता है ना, और जब टीचर का प्यार मिलता है ना, अप्रिशिएशन मिलती है ना, तब बच्चा खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल वही भाव रहेंगे आपके, बच्चों वाले भाव आने वाले हैं गाइस आप में, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स ना बचपन जिए नहीं है, छोटे बच्चे थे, छोटा बेबी थे, तब से ना काम की भाग दौड़ है ना, जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी सब देख रहे हैं हमारे का, वरना इस प्रकार की हीलिंग नहीं मिलती है किसी को, इस प्रकार का एहसास नहीं मिलता है। लेकिन आप वो इंसान हो जो इस एहसास को जियो के, है ना, 19 का कार्ड है इसी भाग्य का साथ, और ये एंजल्स का सपोर्ट, जिनको पुकारा नहीं है ना वो भी मदद के लिए आ रहे हैं, और वो जीत का शंखनाद करे ना करे कैसे नहीं हो सकता, कोई टावर मोमेंट आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई परेशानी कोई विपदा आपका बाल बांका नहीं कर सकती, कभी ऐसा समय आ ही नहीं सकता जहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत हो और पैसा आपके पास ना हो, कैसी भी स्थिति हो, चाहे आपको किसी प्रकार का पैसों का लॉस हुआ है, किसी ने धोखा किया है पैसों को लेकर, जो कुछ भी है, कर्मा रिटर्न तो करेंगे ना, ये देखो कोई है शत्रु, है ना, आर्कएंजल माइकल ना सब संभाल लेंगे, ये इनका प्यार आप पर बहुत ज़्यादा है, इनका आशीर्वाद आप पर बहुत ज़्यादा है, इनके बहुत प्यारे बच्चे हो आप सच में, चाहे आपने पुकारा नहीं पुकारा है, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपकी नेक सोल ने इनको प्रसन्न कर दिया है आपकी मदद करने के लिए, है ना, तो ये आपको नुकसान नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने देंगे, और कोई भी लोग जो आपके लिए बुरा सोचते हैं ना, वो तो अपने आप गाइस वो इनको आपकी लाइफ से निकालेंगे निकालेंगे, और ये अपने आप आपको भी समझ में आएगा कि ये लोग मेरे लिए अच्छे थे ही नहीं, है ना। जब पॉजिटिविटी लाइफ में एंटर होने लगती है ना, समझना इस बात को कि जब भी पॉजिटिविटी लाइफ में आने वाली होती है ना, नेगेटिविटी भागती है, वो ठहरती नहीं है, उसका उसको घुटन होने लगती है। आप देख लो जब सूर्य की रोशनी अपने चरम पर होती है ना, तब अंधेरा होता है क्या? नहीं होता है, वो भागता है, बिल्कुल कुछ ऐसा है। एंजल ऑफ लव, यहाँ पर भी एंजल, यहाँ पर भी एंजल, और यहाँ पर भी हार्ट के बारे में, ये दुख जो हुआ है आपको या होने वाला था, उससे उन्होंने बचा लिया आपको, और कभी भी आपको दुख होने नहीं देंगे, है ना, समझो। कभी कभी ना स्थिति को समझने की कोशिश करो गाइस, हमारे पास ही हमारे सॉल्यूशन होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता होता, इतना एहसास होता है कि कोई पावर, कोई डिवाइन पावर हमें सपोर्ट कर रही है ना, हमें पल पल बचा रहे हैं, पर हम फिर भी उस बात को इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ इंसान को तभी मिलती है जब हमारे आसपास में कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है हमें बचाने के लिए, है ना, तब खतरों के खिलाड़ी बन के घूमते हैं कि कोई डर नहीं है, और ये बिल्कुल कुछ वैसा, देखो कि शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतना खतरनाक कोई काम आप करोगे या फिर या इस प्रकार की स्थिति आपकी आपकी लाइफ में बनेगी ना, एक्चुअल में ये भयावह स्थिति तो पहले ही आपकी लाइफ में बन चुकी है गाइस, लेकिन ये बिल्कुल कुछ वैसी ही थी शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात, कि वहां पर स्टक रहना, उससे डील करना कोई कम नहीं था गाइस, लेकिन आपने कर लिया। आइसोलेशन में भी रहे हो, आपने बहुत बुरी स्थितियों को फेस किया है, परिवार का माहौल भी आपने बहुत बुरे स्तर पर देख लिया गाइस, जैसे एक होता ना कि इंसान ना बाहर से लड़ लेता है, लेकिन बात जब अपनों की तरफ से आ जाए ना, तो वहां पर इंसान कमजोर पड़ जाता है, वहां पर समाधान नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर दिल जुड़ा हुआ होता है, लगाव जुड़ा हुआ होता है, तो उस स्थिति को मालिक समझते हैं, और वहाँ पर मालिक की हीलिंग मिलती मिलती है, और आपको मिलेगी, है ना, आप कुदरत का प्यार एहसास करोगे, देखना कहा ना आपके लाइफ में मिरेकल भी होगा ना, तो ऐसा मिरेकल होगा, सच कह रही हूँ, जैसा मैं कहती हूँ ना गाइस कि मिरेकल हो तो ऐसा हो कि जहाँ पर ये नहीं कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये मिरेकल हो गया ना, ऐसा मिरेकल होना चाहिए जहाँ पर मालिक की मौजूदगी का एहसास हो जाए, जिसे हम लाइफ टाइम के लिए ना भूल पाए, और उतने ही आत्मविश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ हम और लोगों को भी समझाएं कि इतना बिलीव करना, और यही प्रार्थना करना कि मालिक मिरेकल करो, चमत्कार करो, तो ऐसा आपकी मौजूदगी का एहसास हो जाए जैसे मैं कभी भूल ना पाऊँ, है ना।
उनका हाथ जो है ना सर पर फील करने वाली बात। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। देखो जो छोटा है कुदरत आपके लिए ये एक्शन ले रहे हैं कि उसकी रिकवरी कर लेना है ना, उससे ज्यादा आपको प्रदान करना, आपकी इमोशंस को फुलफिल करना, आपका रोना चुप कर देना, आपको खुश करना, फिर से खुश करना। बेटा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, चिंता नहीं करते है ना, आपके दिल को टूटने नहीं दिया जाएगा, ये बात का ख्याल रखना और ये मन में बनाए रखना गाइस। कोई कुछ तो पावर ऐसी है गाय, जैसे ये आपके साथ होता है कि आपके आंख में जब भी आंसू आते हैं ना, कुछ आपकी लाइफ में होता है, जिन्होंने आपको या तो परेशान किया है ना वो भुगतते हैं, कुछ गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ ऐसा साइन आपको मिलता है कि जब भी आपके आंख में आंसू आते हैं ना, थोड़ा आपको लगता है कि मेरे साथ जो डिवाइन पावर है ना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये आपके साथ होता है कि जब भी कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है ना, आप कहते हो एक बार में कि समझ जाओ, समझ जाओ, मेरे कहने पर समझ जाओ कि गलत मत करो कर्मा आपने, है ना, लेकिन मेरे साथ जो डिवाइन पावर है ये, मतलब आपके मन में ऐसा चलते हैं, आप सामने से किसी को बोल कर नहीं कहते, लेकिन आपके मन में यही ऐसा चलते हैं कि अगर मेरे साथ जो पावर है ना, अगर उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया ना तो फिर क्या होगा या किस प्रकार का जवाब मिलेगा ये नहीं समझा सकते हैं। है एहसास तो है आपको कि कोई आपको बचाते हैं, कोई आपका ध्यान रखते हैं, किसी का सपोर्ट लेकर आए हो गाइस, और ये सपोर्ट हमेशा रहेगा आपको। एक होता ना किसी इंसान को अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे पैसों को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, लाइफ के किसी भी हिस्सों को लेकर हो, एक किसी प्रकार की ना आवश्यकता पड़ती है ना कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, उपाय कर लूँ। आपके साथ ये है, ऑटोमेटिक खुद होता है आपके लिए, क्योंकि एक डिवाइन पावर जो मैं कह रही हूँ ना वो सपोर्ट में ऐसे काम करती है कि एकदम सुरक्षा कवच की जैसे ही है, तो आपको कोई उपाय करने की इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जो दूसरे तीसरा आप उपाय करने की कोशिश करते हो ना वो उपाय आपके काम लगते ही नहीं है, ये भी है। कोई आपको किसी बात को लेकर उपाय बताता है ना कि आप ये कर लो इससे आपको राहत मिल जाएगी आपका, या इस समय तक में आपका काम बन जाएगा, आपको पहले ही पता होता है भले मैं ये काम कर लूं, भले जो भी उपाय बताया गया ना वो कर लूँ, वो उपाय लगेगा नहीं, मतलब पहले से आपको पता होता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हो आप, और वो चीज़ डिले में चली जाती है, वो नहीं होती। लेकिन वो डिवाइन पावर जो है ना वो अपनी तरफ से जब आपके लिए करते हैं सही समय आने पर, तब आपको बिना मेहनत भी वो देते हैं गाइस, और ये चीज़ें आपके साथ होती है ना। ध्यान तो कोई आपका रख रहा है, ध्यान कोई आपका रख रहे हैं गाइस, कोई एनर्जी डेथ, ये कंफर्म के लिए, कंफर्मेशन के लिए गाइस, कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली थी, बट इससे आपको बचा लिया गया है, इस पर आपकी विक्ट्री बन चुकी है गाइस। अब ये मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर ना सकारात्मकता बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर है आर्कएंजल गैब्रियल जिनके हाथ में है बिगुल, और वो कह रहे हैं कि आपने खुद ने ये प्रार्थना करी है, खुद ने ये बोला है कि मालिक मुझे किसी भी परेशानी में गिरने मत देना, मेरी हमेशा रक्षा करना, मेरे साथ रहना, है ना, आपकी ही बोली हुई, आपकी ही बोली हुई कोई मुराद जो है ना वो इस डेथ के मोमेंट को, ये टॉवर मोमेंट को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म कर चुकी है, कि मालिक मेरी परेशानी ख़त्म कर दो। हाँ बिल्कुल, ये परेशानी आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है, टावर मोमेंट निकल चुका है। और एक अगर आप मैसेज अच्छे से देखते हो ना गाइस, तो डेक में भले दूसरी काम में ले लो ना, तब भी एक मैसेज कंटिन्यू में आ रहा है, दो परेशानी का सॉल्यूशन ये आप नोटिस कर रहे होंगे, या दो आपकी दिक्कतें इतनी बड़ी आपको लग रहा था एक दिक्कत, और ये दूसरी दिक्कत छुप छुपा कर आपकी लाइफ में चल रही थी, इससे मालिक ने आपको बचाया है गाइस, आपको पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था, यानी कितनी कृपा आप पर है। क्योंकि आपका कहा ना कि आपका दुख किसी पावर को ना मतलब सहन नहीं होता,
और उसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाती है कि वो दुख आप पर ना आए। तो इस बात की खुशी मनाओ, उसी प्रकार का टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने से बच गया। एक नहीं, दो दो टावर मोमेंट आपकी लाइफ से पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। जितना बिगाड़ा करना था, जितना खोना था आपकी लाइफ में, आपने खो दिया। और खोया वही है गाइस जो आपके लिए सही नहीं था, है ना। जो आपके लिए विचार अच्छे नहीं रखते थे, या फिर आपके लिए, आपकी खुशी के लिए अच्छे नहीं थे, ऐसे लोगों का छूटना, ऐसे लोगों के साथ डिस्टेंस का क्रिएट होना, ये सब चीज़ें हुई है। मतलब जो भी अभी समय क्या चल रहा था पता है, 2-3 साल से जिस इंसान का जिस प्रकार का बिहेवियर होगा ना, रियल बिहेवियर जो होगा ना, वो सामने आ जाएगा। हकीकत में ये चीज़ें चल रही थी, समय इसी प्रकार का चलाएगा 2-3 साल में। कि कोई अगर आपको कह रहा है कि वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे कैसी भी सिचुएशन हो जाए, और हकीकत में यही हुआ कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई और आपको पता चला ये सपोर्ट करते नहीं करते हैं। सिचुएशन क्रिएट होते किन्हीं लोगों का भाग जाना, सत्यता प्रमाणित हो गई कि सिचुएशन में कौन खड़ा रहता है, कौन भागता है। 3 तरीके के लोग आपके सामने आ चुके हैं आपकी लाइफ में, मुसीबत को क्रिएट करने वाले, आपको मुसीबत में छोड़कर जाने वाले, और मुसीबत में आपका साथ देने वाले। तीनों प्रकार के लोगों को आपने भली भांति समझ लिया है। जैसा कहा ना अभी कि जिसका जैसा बिहेवियर होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और वो आपके सामने आ चुका है। अब किसी प्रकार का डाउट है आपको? नहीं है। तो अब किसी प्रकार का टावर मोमेंट रहेगा आपकी लाइफ में? नहीं रहेगा, है ना। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? अब खुश हो जाओ, अब चेहरे पर मुस्कान रखो, और यही चेहरे की मुस्कान, है ना, आपकी लाइफ में खुशियों को आमंत्रित करेगी, है ना। अब किसी प्रकार का कोई लाइफ में टावर मोमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई सबक नहीं है। जो समझना था, जो सबक लेने थे, वो ले लिए। द एम्परर ये यही कार्ड कहता है कि जितने संघर्ष और सबक लेने थे वो ले लिए लाइफ में आपने। 8 ऑफ कप्स। अब ना परेशान नहीं होना कि क्या क्या खोया है। जैसा कहा ना कि स्थितियाँ सब क्लियर हो गई आपकी टावर मोमेंट जाने के बाद में, या टावर मोमेंट से बचने के बाद में। परिस्थितियाँ जो एक एक बार दिखती है सामने, उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है कि अब इसे एक्सेप्ट कैसे करें, इसे परिवर्तित कैसे करें, ये ठीक होगी नहीं होगी, इनमें रिकवरी होगी नहीं होगी, या अब मुझे क्या करना चाहिए। इन्हें ठीक करने पर अपना समय खर्च करना चाहिए, या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, नया निर्मित करने के लिए सोचना चाहिए। इस बात को लेकर भी क्लैरिटी है आपको। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का दिशा भ्रमित होने वाले भाव आप में है, या ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो गई है ना। ऐसी तो नहीं है गाइस, क्योंकि आर्कएंजल माइकल ने ना क्लैरिटी आपको दे दी है। ये पक्का है गाइस कि आपको अपनी लाइफ को लेकर डायरेक्शन मिल चुका है। ऐसा संभव ही नहीं है कि अभी भी आप भ्रम वाली स्थिति में हो, या अभी भी आपके पास ऑप्शन है, या कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। कतई नहीं, अब तो नहीं है। और अगर है तो वो ज़बरदस्ती वाला है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मामला 50-50 वाला है ही नहीं, यहाँ पर मामला अपना 90 और 10 वाला है गाइस। कि इतनी क्लैरिटी समय ने दे दी है, तो अब डायरेक्शन पकड़ लिया आपने, है ना। अब भ्रमित मत होना। सुरक्षित हो, बिल्कुल नहीं डरना हेल्थ को लेकर, या किसी भी प्रकार की परेशानी को लेकर। ये देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स जो खोने के बारे में बात करता है, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन के बारे में। ये लो, जहाँ से खोया है वहीं से प्राप्त कर लेना। मतलब आपके साथ क्या है पता है, आपके साथ जितना लॉस होता है ना, उससे कईयों गुना ज़्यादा आप वापस खींचते हो खुशियाँ अपनी लाइफ में। मतलब एक होता है ना कि जैसे एक मजाक के तौर पर और एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ना जितना आपसे छीना जाता है ना, उससे आपकी किस्मत ऐसी है, उससे कई गुना वापस लेते हो, प्राप्त करते हो। और ये आपके साथ होता है, ये कहते हैं ना ब्याज समेत वापस प्राप्त करना, ये आपकी किस्मत है गाइस। कि कुछ छूटता है ना तब भी बहुत कुछ प्राप्त होता है, उससे ज्यादा प्राप्त होता है, फिर क्यों चिंता करना। और ये वाली एनर्जी में नहीं रहना, खोने वाले एनर्जी में, कि कुछ खो दिया अब लाइफ में कुछ खो दोगे, या खुशी मिलेगी तो स्थायित्व लेकर नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ से नकारात्मकता का खत्म होने का मतलब ही यही है कि खुशी स्थायित्व लेकर आए, हीलिंग मिले तो स्थायित्व लेकर मिले। वो सारी सुरक्षा तो मालिक ने पहले ही कर दी है कि अब आपकी लाइफ जो है वो सुखमय रहेगी। किसी प्रकार के सुखों में अड़ंगा, अड़चने या अभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा गाइस, है ना। सेलिब्रेशन आ रहे हैं लाइफ में, खुशियाँ आ रही है, नए नए मौके आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहे हैं, अच्छे लोगों की एंट्री लाइफ में हो रही है, मित्र गणों से आपको सपोर्ट मिलना, अच्छे लोगों से आपको सपोर्ट मिलना, जहाँ पर कोई आपके भोलेपन का या किसी भी प्रकार से आपका मिसयूज ना कर पाए, ना करने की कोशिश करें, ना उनके दिमाग में इस प्रकार के वंचा आए, आपका ऑरा ऐसा हो जाए जो प्योरिटी को बिखेरे गाइस, है ना, कि कोई आपके साथ छल कपट धोखाधड़ी छलावा ना करे, और ये है भी नहीं अब आपके साथ। ओके, नाइन ऑफ कप्स, ये लो देखो, दो कार्ड आए हैं टॉवर के, दो कार्ड आए हार्ट ब्रेक के, और उस पर आया है ये जजमेंट, ये जजमेंट इस दिल को हील कर दिया जाएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाएगी। गाइडेंस क्या है, बस एक उम्मीद नहीं खोना। अगर मालिक पर उम्मीद बनाए बैठे हो तो उम्मीद लगाए हुए रखना, आपका इंतजार, आपका धैर्य, आपका सब्र कहीं खाली नहीं जाने वाला। यहाँ पर भी टेन ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर भी नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, इन दुख पर आपका सुख हावी पड़ जाएगा, आपकी सकारात्मकता, आपकी पॉजिटिविटी हावी पड़ जाएगी गाइस। कोई बहुत बड़ा जस्टिस गाइस, क्योंकि लास्ट का कार्ड ये जजमेंट का आया है, और ये आपके दुख को पूरी तरीके से खत्म ना कर दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी मालिक बिगुल बजाते हुए, और यहाँ पर भी आर्कएंजल गैब्रियल बिगुल बजाते हुए, जो मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। मैं कार्ड हटा कर नहीं बता पा रही हूँ, कार्ड मिक्स हो जाएंगे इस वजह से। तो यहाँ पर भी मालिक आपके प्रार्थनाओं को कबूल करते हुए, आपके लिए जजमेंट लेकर आते हुए, उनका आपकी लाइफ में हस्तक्षेप, उनका आपकी लाइफ की तकलीफों को दूर करना, और जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, आपकी लाइफ में इस प्रकार की स्थितियों को क्रिएट करने की कोशिश की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा गाइस, क्योंकि मालिक ने ठान लिया है, मालिक ने ठान लिया है कि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और उनकी रनिंग के ऊपर आपको विक्ट्री दिलाई जाएगी गाइस, यानी आपका भाग्य जो है ना आपके शत्रु और विजय प्राप्त करवाएगा गाइस, है ना। सारी खुशियां लाकर ना आपकी झोली में देगा। तो बहुत बड़ा जस्टिस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से काट कर आपके लिए बन रहा है, जो खुशी के रास्ते ओपन कर रहा है, जो आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि, आपके साहस में वृद्धि, आपके काम करियर में उन्नति, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपको देखने को मिले, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाए, लोग आपकी कदर करें, आपके अपने आप की कदर करें, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव ना करे, किसी भी प्रकार से आपको नीचे दिखाने की कोशिश ना करे, या फिर आपके शुभ काम में, शुभ काज में जो देरी बन रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, जिससे बार बार आपका दिल दुख रहा था कि खुशी आते आते रह जाती है, अब उन चीज़ों से निजात मिलने की समय पर, है ना, आपको खुशी मिलना, उसके लिए आपका तरसना नहीं होना, ये सबसे बड़ा जजमेंट का है, कि आपका किसी खुशी के लिए इंतज़ार नहीं करना, तरसना नहीं, और वो खुशी आपको ऐसे ही मिल जाना, सोचा और मिल जाना, है ना। तो अब अपने लिए अच्छा बोलना और मालिक पर बिलीव करना, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, सारे एंजल जिनको भी आप मानते हो, जिनके प्रति श्रद्धा भाव आपके हैं, एक ही है मालिक, है ना। तो जिस भी रूप में उनको मानते हो ना, वो पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में और आपके पक्ष में है, और जब मालिक पक्ष में होते हैं ना, तब जीत का डंका बचता ही है, बिल्कुल बचता ही है, कुछ मामलों में रिकवरी भी होगी, ठीक है, निश्चिंत रहना, बहुत अच्छा समय आ रहा है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।